1953 में नागदा की यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक चुनी गई थी। प्रजा समाजवादी पार्टी ने उन्हें बांसवाड़ा से उम्मीदवार बनाया था। इस तरह यशोदा देवी ने प्रजा समाजवादी से चुनाव जीतकर राजस्थान की पहला विधायक होने का गौरव हासिल किया। गौरतलब है कि यशोदा देवी राष्ट्र कवि स्वर्गीय नटवरलाल स्नेह की छोटी बहन थी। नागदा में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित पर्णकुटी आजादी के लड़ाई लड़ने वाले की आश्रय स्थली में उनका निवास था। उनके भतीजे निखिल शर्मा ने बुआ यशोदा से जुड़े संस्मरण भी साझा कर बताया कि चुनाव में प्रचार करने आए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि कोई महिला विधायक का चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने विपक्ष का उम्मीदवार होने के बावजूद बुआ यशोदा को जीत का आशीर्वाद दिया था। बाद में यशोदा देवी चुनाव जीती भी थी। निखिल के अनुसार राजनीति में उनकी बुआ को समाजवादी आंदोलन के प्रवर्तक मामा बालेश्वर दयाल लेकर आए थे। 1952 में बांसवाड़ा विधानसभा सीट से विजय उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर देने से 1953 में उपचुनाव हुए। मामा जी ने समाज सेवी के प्रति निष्ठावान देखकर उन्हें प्रजा समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया दिया। इस तरह यशोदा देवी पहली महिला विधायक बनी। यशोदा देवी ने इसके बाद प्रतापगढ़ क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वे अपनी जीत दोहरा नहीं सकी। बाद में उन्होंने पूरा जीवन बांसवाड़ा के आदिवासी अंचल के विद्या केंद्र में अध्यापन कार्य और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। नाम है आपका? निखिल शर्मा। शर्मा जी, आपके यहाँ से आपके ही बुआ जी जी देश आजाद हुआ, उसके बाद प्रथम विधायक बनी जी। कहाँ से बनी, उनके जीवन यापन क्या था, थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आप। पहली विधायक वो बांसवाड़ा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विजय प्राप्त करके विधानसभा में गई, और उनका बचपन यहाँ नागदा में पिताजी के साथ बीता। शादी जल्दी हो जाने के कारण उनकी विधवा भी बहुत जल्दी हो गई, वो मतलब यूँ समझे कि साल दो साल के अंदर ही। इसके बाद से वो फिर वापस यहाँ आई, पिताजी ने वनस्थली उनको पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ से आने के बाद उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जाहिर की, तो मामा बालेश्वर दयाल के संरक्षण में वो बामनिया चली गई। वहाँ से यहाँ का निरंतर आना जाना तो उनका लगा रहा, लेकिन फिर वो ससुराल कभी भी नहीं गई। उन्होंने पूरा जीवन अपना समाज सेवा में ही बिताया, और आखिरी के समय भी वो यहीं रही। यहाँ कितना समय करीब गुजारा होगा? बचपन ही यहीं गुजरा, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से तक, मतलब वो यहीं रही। उस समय उनका क्या योगदान रहा, खास करके जब पहले विधायक बने थे, जब आपने चर्चा में नेहरू जी के बारे में बताया था, थोड़ा सा विस्तृत जाने। नेहरू जी उस समय वहाँ जो चुनाव होते थे, तो उस समय नेहरू जी भी प्रचार करने के लिए उस एरिया में गए, तो जब उनको मालूम पड़ा कि एक महिला भी मतलब प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो और लेकिन वो अपनी कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है, लोगों ने जब बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, लेकिन एक महिला अगर आज पहले चुनाव में अगर उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो महिलाएं देश की प्रगति में आगे आएगी कैसे। तो उन्होंने कहा कि ये 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 महिला विधानसभा में पहुंचना चाहिए, और वो पहुंची। आज की राजनीति और उस समय की राजनीति में कितना बदलाव आया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ से आपको प्रेरणा क्या मिली? बुआ जी उस समय विधायक थी, राजनीति में कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे उस समय। हाँ, तो उस समय क्या रहा ऐसा कि बस उससे यही है कि उस समय के जो राजनेता थे उनकी एकमात्र मतलब इच्छा समाज सेवा और लोगों के कल्याण में योगदान देना रहता था, और जितना भी कुछ किसी का सहयोग हो सके वो करे, अपने अपने क्षेत्र का करे, क्षेत्र के बाहर का करे, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि ये व्यक्ति मेरी पार्टी से संबंधित है कि नहीं है। ठीक।